10,000 रुपए का बजट है और ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा स्मार्टफोन जो आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा है और कंफ्यूजन में है, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ टॉप 5 स्मार्टफोन जो कि 10,000 रुपए के आते हैं। और मैं आपको इस वीडियो में एक चीज और बता दूं, इसमें मैंने सारी कंपनीज के अलग अलग स्मार्टफोन रखे हैं, तो आप जिस भी कंपनी के फैन हैं वो आप स्मार्टफोन परचेज कर। तो मैं अपनी लिस्ट चालू करूंगा यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ। पहले मैं आपको बताऊंगा 5वें नंबर का स्मार्टफोन और लास्ट में आपको बताऊंगा 1 नंबर का स्मार्टफोन जो कि मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्मार्टफोन है। जी फ्रेंड्स, और मैं आपको बता दूं वीडियो चालू करने से पहले जितने भी मैं आपको फोन बता रहा हूँ सभी के लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाकर एक बार वहां से भी देख सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जो मेरी लिस्ट में स्मार्टफोन आता है 5वें नंबर पर मैंने रखा है, वो रखा है रियलमी U1। 6.3 इंच की आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, मीडिया टेक वाला P70 प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है। सबसे कमाल की बात यह है 13+2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा देखने को मिल रहा है, लेकिन 25 मेगापिक्सल का आपको इसमें सेल्फी देखने को मिल रही है। ओवरऑल 4GB 64GB के साथ आएगा, प्राइस 8,999 रुपये रखी गई है। वैसे स्टार्टिंग में इसकी प्राइस 11,000 या 12,000 रुपये थी, सस्ती कर दी गई है 9,000 रुपये की प्राइस में आपको देखने को मिल रहा है। 9,000 रुपये में सेल्फी वाला 25 मेगापिक्सल का स्मार्टफोन आपके लिए स्मार्टफोन अच्छा हो सकता है। मुझे पता है स्मार्टफोन थोड़ा सा पुराना हो गया है, लेकिन 9,000 रुपये की प्राइस में ये अभी भी अच्छा स्मार्टफोन है। और दोस्तों बात करेंगे हम लोग यहाँ पे जो मेरी लिस्ट में 4थे नंबर पर आता है, वो आता है सैमसंग का M20। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें आपको 6.3 इंच की FHD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। FHD किसी भी स्मार्टफोन में नहीं देखने को मिलती है, इसमें आपको देखने को मिल रही है। वही सेम 13+2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा देखने को मिल रहा है, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को आपको मिल जाता है, 5000mAh की बैटरी देखने को मिल रही है, टाइप सी पोर्ट, 3.5mm का ऑडियो जैक, ओवरऑल सारी चीज़ें अच्छी दी गई हैं इस स्मार्टफोन में। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ये स्मार्टफोन आपको 9,999 रुपये की प्राइस में मिल रहा है, जिसका 3GB 32GB वाला, तो आप इस स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं अगर आप सैमसंग के फैन हैं तो। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पे पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या कर रहे हो सब्सक्राइब करो, साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस करो ताकि मेरी सब वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको जरूर से बताना चाहूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि जो लोग कन्फ्यूजन में है 10,000 रुपये के प्राइस में अच्छा फ़ोन लेने के लिए उनकी मदद हो सके। तो वीडियो को करना है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो जल्दी से कर दो, बाद में वीडियो को देख लेना क्योंकि आप शेयर करना भूल जाते हैं। और दोस्तों अब जो मैं आपको स्मार्टफोन बताने वाला हूँ काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्मार्टफोन है, ये स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था वो 17,000 और 18,000 रुपये की प्राइस में लॉन्च किया गया था, अब मात्र आपको 10,000 रुपये का देखने को मिल रहा है, पूरा 8,000 रुपये का स्मार्टफोन में डिफरेंट देखने को मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ MI A2 के बारे में। इसमें आपको 5.99 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 12+20 मेगापिक्सल का बैक कैमरा देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ इसमें आपको फ्रंट में भी 20 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल रहा है। स्नैपड्रैगन का है, इसमें आपको 660 वाला प्रोसेसर भी देखने को मिल जाता है, 4GB 64GB के साथ आ रहा है, जो इस स्मार्टफोन को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाता है। प्राइस मैंने आपको बता दिया 10,000 रुपये की ये प्राइस में आ रहा है, तो आप MI A2 भी परचेज कर सकते हैं क्योंकि इतनी प्राइस में ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वैसे दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैं आपको जितने भी स्मार्टफोन बता रहा हूँ उसमें से सारे ही स्मार्टफोन लेटेस्ट स्मार्टफोन जो आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, फ्यूचर में अपग्रेड हो जाएंगे लेकिन अभी के लिए ये स्मार्टफोन सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। और दोस्तों बढ़ेंगे हम अब अगले स्मार्टफोन की तरफ जो मेरी लिस्ट में आता है 2 नंबर पर, हाल ही में लॉन्च किया गया है, मैं बात कर रहा हूँ Realme 5 के बारे में। इसमें आपको 6.5 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, कमाल की बात यह है जो इस स्मार्टफोन को अच्छा बनाती है, 4 कैमरे आपको इसमें बैक में देखने को मिल रहे हैं, 12+8+2+2, साथ ही साथ 13 मेगापिक्सल का आपको इसमें सेल्फी भी देखने को मिल जाती है, 4GB 64GB के साथ आ रहा है। प्रोसेसर की बात करूं यहाँ पे मैं आपको तो बता दूं, इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन वाला 665 चिपसेट देखने को मिल जाता है, ओवरऑल गुड फोन है ये 10,000 रुपये की प्राइस में, तो आप जाकर के परचेज कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, सभी के लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और दोस्तों बढ़ेंगे हम अपने आखिरी स्मार्टफोन की तरफ जो मेरी लिस्ट में नंबर 1 पे आता है, मैं बात कर रहा हूँ Xiaomi का Redmi Note 7S।
इस स्मार्टफोन में आपको 6.3 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 48+5 मेगापिक्सल का बैक कैमरा देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी देखने को मिल जाता है, 4000 एमएच की बैटरी देखने को मिल जाती है, टाइप सी पोर्ट के साथ आता है, फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ मैं आपको इसकी प्राइस बताऊं तो 9999 रुपये में 4GB 64GB वाला इसका ये वेरियंट देखने को मिल रहा है। और प्रोसेसर मैं आपको बता दूँ 660 का इसमें आपको प्रोसेसर भी देखने को मिल जाता है। ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्मार्टफोन है। सबसे अच्छी बात यह है कि 48+5 मेगापिक्सल का इसमें जो बैक कैमरा मिल रहा है वो 10,000 रुपये की प्राइस में किसी भी स्मार्टफोन में नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये चीज़ इस स्मार्टफोन को सबसे बेस्ट स्मार्टफोन बनाती है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को ले बस इतना है। मुझे उम्मीद है 10,000 रुपये के प्राइस में जो आपका डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, उनका भी क्लियर कराइए। और अभी तक चैनल पे पहली बार बने हुए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ और आपको अपग्रेड करता रहता हूँ। मैं मिलता आपको नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड।